वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग ऑल टू ऑफ ऑल यू ऑफ माय यू डियर माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। तो कैसे गाइस हैं बिना आप देर करे लोग? स्टार्ट करते हैं हमारी स्टे एक्सरसाइज होम स्टे 2.2 सेफ। गाइस, जहां से हमें कंटिन्यू आज करना है हमारी गाइस। तो गाइस इससे पहले हमारा जो मैथ्स लेक्चर चैप्टर था सेकंड पॉलिनोमियल का, है ना, मतलब लेक्चर टू पॉलीनोमियल के पार्ट वन भी आ चुका है, पार्ट पार्ट टू भी आ चुका है। तो थर्ड से गाइस स्टार्ट पार्ट टू करेंगे तक हमने गाइस। क्या कर लिया था अभी तक गाइस, जो एक्सरसाइज हमारी टू पॉइंट वन एक्सरसाइज तक टू कम्प्लीट पॉइंट करनी वन है। है वहां वहाँ तक तक हमने हमने कम्प्लीट कम्प्लीट कर कर लिया। लिया। तो गाइस इसमें गाइस गाइस तो एक्सरसाइज हमने टू सबसे पॉइंट पहले टू से इस स्टार्ट करना है। चैप्टर का तो इसमें बेसिक गाइस जो पढ़ा आपको था क्वेश्चन आने कि वाले हैं, वो पॉलिनोमियल किस होता टाइप के हैं क्या गाइस, है, फाइंड द फॉर जीरोस। यूरोस आपको आपको कोई कितने टाइप क्वाड्रेटिक का होता पॉलिनोमियल है, दे देगा, आपको अकॉर्डिंग उसके टू सम जीरोस कितने निकालने टाइप के पड़ेंगे और पॉलिनोमियल जीरोस होते का हैं, कॉफिशिएंट के साथ अकॉर्डिंग गाइस टू क्या बताना वेरिएबल पड़ेगा, के टाइप रिलेशनशिप के बताना पॉलिनोमियल पड़ेगा, के है ना। गाइस। फाइंड फिर द हमने जीरोस पढ़ी ऑफ क्वाड्रेटिक कॉन्स्टेंट क्या पॉलिनोमियल होते एंड हैं, वेरीफाई द वेरिएबल क्या रिलेशनशिप होते हैं, बिटवीन द जीरोस कोफिशिएंट एंड द क्या होता है कॉफिशिएंट। गाइस। ठीक है, आपको आपको बताना बड़े से पड़ेगा जीरोस जीरोस में में कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट में में क्या क्या रिलेशनशिप रिलेशनशिप होती है, होती है, ठीक ठीक है। है। आपको आपको बताना बताना पड़ेगा पड़ेगा सर सर जीरोस जीरोस में में कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट में में क्या क्या रिलेशनशिप रिलेशनशिप होती होती है, है, गाइस। गाइस। हम हम किसी किसी भी भी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के के फैक्टर फैक्टर में में निकालने निकालने के के बाद बाद फैक्टर फैक्टर जो जो भी भी आता आता है है उसको उसको जीरो जीरो के के इक्वल इक्वल लगेगा लगेगा गाइस। गाइस। तो तो गाइस गाइस वो वो उसके उसके क्या क्या होते होते हैं हैं जीरोस जीरोस टू टू पॉइंट पॉइंट टू टू से से कंटिन्यू कंटिन्यू करना करना है है और और फिर फिर जीरोस जीरोस का का रिलेशनशिप रिलेशनशिप किससे किससे निकालते निकालते हैं हैं गाइस, गाइस, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट से। से। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट में में आपको आपको बताया बताया था था गाइस गाइस क्या क्या होता होता है, है, हमें हमें थोड़ा थोड़ा सा सा इसके इसके वेरिएबल वेरिएबल के के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में में जो जो वैल्यू वैल्यू लिखी लिखी होती होती है है वो वो क्या क्या होती होती है, है क्या क्या ऑफिशियल ऑफिशियल डी डी है, है, ठीक ठीक है। है। अब अब चलिए चलिए गाइस गाइस क्वेश्चन क्वेश्चन से से स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं ना ना गाइस, गाइस, आपको आपको इस इस टाइप टाइप के के आएंगे आएंगे कि कि कोई कोई तो तो लिखा लिखा होगा होगा गाइस गाइस क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिख रहा रहा है है आपको आपको स्क्रीन स्क्रीन पे। पे फाइंड फाइंड द द जीरोस जीरोस ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग फॉलोइंग पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सेवन सेवन एक्स एक्स प्लस प्लस टेन टेन होगा होगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला फॉर्मूला टू टू भी भी आपको आपको जीरोस जीरोस एंड एंड द द कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन है है वेरी वेरी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सेवन सेवन है है रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द द जीरोस जीरोस एंड एंड द द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट। एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन है है वेरी वेरी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सेवन सेवन है है रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द द जीरोस जीरोस एंड एंड द द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट। ठीक ठीक है है गाइस, गाइस, तो तो सबसे सबसे पहले पहले एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सेवन सेवन है है तो तो फैक्टर फैक्टर निकालेंगे निकालेंगे गाइस। गाइस। समझ समझ गए, गए, तो तो फैक्टर फैक्टर निकालना निकालना सबको सबको आता आता होगा। होगा। बीच बीच वाले वाले नंबर नंबर को को हमें हमें से से दो दो फैक्टर फैक्टर में में सेपरेट सेपरेट करना करना है है गाइस गाइस कि कि उसका उसका सम सम के के बाद बाद उसके उसके जीरोस जीरोस में में और और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने करने पर पर टेन टेन है। है। तो तो बीच बीच में में क्या क्या लिया लिया गाइस, गाइस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट सेवन सेवन है है आपको। आपको तो तो ऐसे ऐसे दो दो नंबर नंबर जाएंगे जाएंगे जिनका जिनका सम सम सेवन सेवन हो, हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने करने पर पर टेन टेन है। है। ऐसे ऐसे वन वन एक एक जीरोस जीरोस के के दो दो लोग लोग गाइस, गाइस, तो मैं तो मैं बता बता रहा रहा हूँ हूँ कोई कोई भी भी आपको आपको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल दिया दिया है है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने करने पर पर क्या क्या फैक्टर फैक्टर नहीं नहीं तो तो नहीं नहीं हो हो सकता सकता फैक्टर फैक्टर निकालना निकालना आते आते ना ना सबको। सबको फैक्टर फैक्टर निकालना निकालना आते आते ना ना सबको। सबको फोर फोर और और थ्री थ्री सम सम तो तो सेवन सेवन होता होता है, है, लेकिन लेकिन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने करने पर पर टेन टेन लास्ट लास्ट वाली वाली वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं हो हो इक्वल इक्वल रख रख दो। दो। फाइव तो और टू हो फैक्टर सकते हैं के गाइस, जीरो हाँ इक्वल फाइव और टू इक्वल सेवन सेवन होते होते हैं हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने करने पर पर फाइव फाइव टू टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स का का जो जो वैल्यू वैल्यू मिलता मिलता है, है, ठीक ठीक है। है। जैसे जैसे मान मान लो लो एक्स एक्स माइनस माइनस टू टू को को हमने हमने जीरो जीरो के के इक्वल इक्वल लिखा, लिखा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लास्ट लास्ट वाले वाले नंबर नंबर के के बराबर बराबर है है और और सम सम बीच बीच वाले वाले नंबर नंबर के के बराबर बराबर है है और और सम सम बीच बीच वाले वाले नंबर नंबर के के बराबर बराबर है। है। तो तो गाइस गाइस हम हम सेवन सेवन एस एस पे पे कर कर लेंगे लेंगे प्लस प्लस का का टू टू एक्स एक्स और और प्लस प्लस का का फाइव फाइव एक्स। एक्स। समझ समझ गए, गए, सेवन सेवन एस एस को को तोड़ तोड़ निकाल निकाल लो लो अब अब इक्वेशन इक्वेशन क्या क्या बन बन जाएगा जाएगा गाइस, गाइस, एक्स एक्स यू यू के के इक्वल इक्वल रखने रखने पर पर जो जो आपको आपको वैल्यू वैल्यू मिलती मिलती है है वो वो होती होती है है उसके उसके जीरोस जीरोस की। की। ठीक ठीक है, है, सेवन सेवन एस एस को को हमने हमने टू टू एस एस प्लस प्लस फाइव फाइव एक्स एक्स में में तोड़ तोड़ लिया। लिया तो तो एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस टू टू एक्स एक्स में में से से एक्स एक्स को को कॉमन कॉमन ले ले लेंगे लेंगे गाइस, गाइस, एक्स एक्स को को कॉमन कॉमन ले ले लेंगे लेंगे तो तो ब्रैकेट ब्रैकेट के के अंदर अंदर कितना कितना बचेगा, बचेगा, एक्स एक्स प्लस प्लस क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा लिखा गाइस। गाइस। अब अब हमारे हमारे पास पास कितना कितना बचा बचा गाइस, गाइस, फाइव फाइव एक्स एक्स प्लस प्लस पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सेवन सेवन एक्स एक्स प्लस प्लस टेन टेन में में से से फाइव फाइव और और टेन टेन दोनों दोनों फाइव फाइव के के डबल डबल में में आते आते हैं हैं गाइस, गाइस, तो तो फाइव फाइव को को कॉमन कॉमन आ आ गया। गया। तो तो अब अब ब्रैकेट ब्रैकेट में में कितना कितना बचेगा, बचेगा, एक्स एक्स प्लस प्लस टू टू क्योंकि क्योंकि फाइव फाइव पॉइंट पॉइंट टू टू एक्स एक्स में में होगा, होगा, फाइव फाइव एक्स एक्स और और फाइव फाइव जीरोस जीरोस निकालने निकालने और और गाइस गाइस क्या क्या बताएंगे बताएंगे रिलेशनशिप रिलेशनशिप पहले पहले वाले वाले में में एक्स एक्स कॉमन कॉमन आ आ गया गया है है तो तो ब्रैकेट ब्रैकेट के के अंदर अंदर एक्स एक्स प्लस प्लस टू टू बचा बचा और और दूसरे दूसरे वाले वाले में में फाइव फाइव कॉमन कॉमन आ आ गया गया है है तो तो ब्रैकेट ब्रैकेट के के अंदर अंदर कितना कितना बचेगा, बचेगा, एक्स एक्स प्लस प्लस टू। टू तो तो एक्स एक्स प्लस प्लस टू टू कॉमन कॉमन फैक्टर फैक्टर आ आ गया, गया, अब अब दोनों दोनों के के
बी, सम ऑफ बी की वैल्यू जीरोस कितनी है, अल्फा प्लस सेवन, बी के उसके आगे बराबर रहा है, होता है इसके आगे रहा माइनस है के माइनस माइनस फॉर्मूले फॉर्मूले का, का, माइनस माइनस का बी और अपॉन ए अल्फा की इंटू वैल्यू बीटा कितनी बराबर गाइस, होता है वन सी अपॉन ए के, माइनस का अल्फा प्लस सेवन। तो बीटा गाइस मतलब पहला वाला माइनस का जीरोस सेवन प्लस इधर भी दूसरा है, वाला माइनस का जीरोस, सेवन इधर पहला भी वाला है। जीरोस दूसरी प्लस वाली दूसरा रिलेशनशिप वाला क्या होती जीरोस है गाइस, प्लस टू दूसरा अल्फा वाला इंटू जीरोस बीटा कितना इक्वल गाइस, टू माइनस होता का है पाई सी तो अपॉन ए, रिजल्ट क्या है, अल्फा माइनस का इंटू सेवन, बीटा मतलब माइनस वो टू बराबर इंटू होता है माइनस फाइव किसके, तो माइनस 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 क्या के होगा बी प्लस, फाइव अपॉन टू ए द के, टेन, माइनस के बी सी अपॉन ए अपॉन के ए के मतलब बराबर होता गाइस है सी जो की भी वैल्यू गाइस आपको कितनी है, टेन इक्वेशन अपॉन दी में गई वन, तो गाइस, टेन टेन अपॉन यूनिक में वन, मतलब इक्वेशन टेन दी गई इक्वल टू टेन, समझे गाइस। तो माइनस सेवन इक्वल टू माइनस सेवन और टेन इक्वल टू टेन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो इसमें भी गाइज वही करना है हमें, सबसे पहले जीरोज निकालने, फिर जीरोज का रिलेशनशिप बताना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो गाइज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट में सबसे पहले हमें टू एक्स को ऐसे सेपरेट करना है कि प्लस या माइनस करने पर माइनस का टू मिले और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का एट आए। तो मैंने माइनस के टू को काय में सेपरेट कर लिया गाइज, प्लस के फोर माइनस टू में, है ना, फोर में से टू जाएगा तो टू बचेगा, और फोर टू गाइज कितना होता है एट। तो टू एक्स में जो टू है उसको मैंने सेपरेट कर लिया गाइस काय में, फोर माइनस टू में मल्टीप्लाई में एक्स वैसे का वैसे ही, माइनस एट वैसे का वैसे ही। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा गाइस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस का फोर माइनस के फोर में चेंज हो गया, और माइनस माइनस प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का टू, और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का फोर एक्स और प्लस का टू एक्स, ठीक है गाइस। एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस का फोर एक्स और प्लस का टू एक्स मिल जाएगा, माइनस एट वैसे का वैसे ही। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स में कॉमन कौन आ जाएगा गाइस, एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, तो अंदर कितना बचेगा एक्स माइनस फोर। ऐसे ही टू एक्स माइनस एट, टू और एट दोनों टू के टेबल में आते गाइस, तो टू कॉमन निकल आएगा, और टू कॉमन निकलेगा तो अंदर कितना बचेगा इस एक्स माइनस फोर। तो एक्स माइनस फोर कॉमन फैक्टर, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर दोनों में जो आया था कॉमन, पहले वाले में एक्स कॉमन आया, दूसरे वाले में प्लस का टू कॉमन आया, तो उसको साथ में लिख लेंगे, तो एक्स प्लस टू। मतलब गाइस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के फैक्टर हमें गाइस क्या मिल जाएंगे, एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू, समझे गाइस। ये फैक्टर आ गए एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब गाइस हमें क्या करना है, इन फैक्टर को जीरोज में कन्वर्ट करना है। तो जीरोज में कन्वर्ट करने के लिए गाइस दोनों को जीरो के इक्वल रखो, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो रखेंगे गाइस, तो माइनस का फोर हो जाएगा तो प्लस के फोर में, तो एक्स की वैल्यू प्लस का फोर मिल जाएगी। एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रखेंगे गाइस, प्लस का टू उधर जाएगा तो माइनस के टू में, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का टू। मतलब गाइस पहला वाला जीरोस प्लस का फोर हो जाएगा और दूसरा वाला जीरोस माइनस का टू हो जाएगा। तो पहले वाले जीरोस को हम गाइस क्या बोलते हैं, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू फोर है, नीचे दिख रहा है आपको। और दूसरे वाले जीरोस को बोलते हैं गाइस बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी गाइस, माइनस का टू है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन ए के, रिलेशनशिप होती है गाइस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा गाइस, अल्फा कितना है आपका फोर, माइनस बीटा, बीटा कितना गाइस, माइनस का टू, ठीक है। बीटा कितना है, माइनस का टू गाइस, तो कितना हो जाएगा फोर माइनस टू गाइस, कितना जाएगा आपका टू आ जाएगा। फिर गाइस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के, माइनस के बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो गाइस क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो गाइस ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है, सी की वैल्यू माइनस का एट है। तो बी की वैल्यू क्या गाइस, माइनस का टू, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन ए के। तो बी की जगह माइनस का टू रखा, फॉर्मूले वाला माइनस वैसे का वैसे ही अपॉन में ए यानी वन, माइनस माइनस क्या आएगा इस प्लस का टू, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आएगा इस। दोनों रिजल्ट में हमें कितना मिल रहा है, टू इक्वल टू टू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है गाइस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए गाइस, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फा का इंटू बीटा में करो, अल्फा यानी पहले वाला फैक्टर फोर, बीटा इंटू ये दूसरा वाला फैक्टर यानी माइनस का टू, तो फोर इंटू टू कितना हुआ गाइस, माइनस का एट, आया कि नहीं आया। तो अल्फा इंटू बीटा आया माइनस का एट, अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है, सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म गाइस क्या होगी, जो लास्ट में आती है वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। तो पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा तो ए इक्वल टू वन होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा तो बी इक्वल टू माइनस टू हो गया, और सी लाइट वाली कॉन्स्टेंट टर्म होती थी, तो सी कितना होगा गाइस, माइनस का एट। तो सी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का एट अपॉन में ए, ए की वैल्यू कितनी है वन, माइनस एट अपॉन वन गाइस मतलब माइनस एट। तो मतलब दोनों केस में माइनस एट इक्वल टू माइनस एट, वेरीफाई होगा गाइस, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्या है हमारा, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, ये दिया हुआ गाइस। अब क्या करना है, अब फिर वही गाइस हमें सेपरेट करना है बीच वाले नंबर को, और ऐसे सेपरेट करना है कि प्लस या माइनस करने पे गाइस कितना है, बीच में हमें माइनस का फोर मिले और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का फोर मिले, ना।
फर्स्ट और लास्ट नंबर का गाइस हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का इंटू 1 में करेंगे, पहले प्लस 4 एस स्क्वायर का कोफिशियंट 4 है और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, तो 4 का इंटू 1 में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और बीच में माइनस का 4 आएगा। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम माइनस का 4 है और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 आया, तो ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? तो हम माइनस के 4 को सेपरेट कर लेते हैं 2+2 में गाइस, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है 4, और 2 और 2 4 होता है, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 4 गाइस। तो मैंने 4 को क्या लिख लिया गाइस, 2+2 एस वैसे का वैसा ही, एस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा गाइस 2s 2s हो जाएगा, प्लस के 2s 2s होंगे। अब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस से वैल्यू कहाँ मिल जाती है, माइनस में, तो प्लस के 2s में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो गाइस कितना होगा, -2s -2s+1। ठीक है गाइस, तो कितना आ गया 4s² -2s -2s+1। अब 4s² -2s को एक साथ लिख लिया, और फिर गाइस 2s और माइनस के 1 को एक साथ लिख लिया, माइनस को कॉमन निकाल के, तो माइनस को कॉमन निकाली तो बीच में प्लस से क्या होगा गाइस, माइनस होगा। अब 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते तो 2 कॉमन आएगा, उसके बाद s भी दोनों में प्रेजेंट है तो 2 के साथ s भी कॉमन आ गया गाइस। तो 2s अगर कॉमन आ गया 4s² -2s में से, तो अंदर उसी को लाने के लिए बचेगा गाइस कितना, 2s-1 बचेगा, क्योंकि 2s का इंटू 2s में होगा तो 4s², 2s का इंटू माइनस के 1 में होगा तो प्लस माइनस माइनस 2s बन जाए, 2s आ गया गाइस। तो पहले वाले 4s² -2s में से 2s को कॉमन निकालने पे अंदर कितना बचेगा गाइस, 2s-1। सिमिलरली यही दूसरे वाले में बचेगा 2s-1, और कॉमन क्या निकल आएगा गाइस, माइनस का 1 है ना, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 2s में होगा माइनस का 2s, और माइनस माइनस गाइस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस माइनस का 1 दूसरे में से कॉमन आ गया, दोनों फैक्टर गाइस हमें कितने मिल गए, 2s-1 2s-1। ठीक है, दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया, 2s-1 = 0, माइनस का 1 दूर का गाइस तो प्लस के 1 में, तो 2s = 1 होगा, 2s = 1 है तो s के इनटू में है 2, तो इनटू से काम आएगा गाइस डिवाइड में, तो s = 1/2। सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा, 2s-1 के इक्वल में 0 रखेंगे, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा, तो 2s = 1 हो जाएगा। तो s की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इनटू से डिवाइड में भेजेंगे, तो s की वैल्यू कितनी है गाइस, 1/2। मतलब अल्फा और बीटा दोनों जीरो, आपको कितने मिलेंगे, 1/2 1/2। अब रिलेशनशिप क्या बोलती है गाइस, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a के, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 + 1/2, तो 1/2 1/2 को प्लस करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा इस ऊपर, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 2 1 2, तो 1 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस के b/a के, तो माइनस का b/a मतलब बी मतलब कॉफिशियंट ऑफ एस, एस का कॉफिशियंट कितना है, माइनस का 4, और उसके आगे माइनस अपॉन में a कितना है 4, कितना आ गया इस माइनस माइनस प्लस 4 = 4 1 = 1 आ जाएगा। ठीक है गाइस, सिमिलरली आपको वही करना है उसमें भी गाइस, α×β = c/a, तो α×β करोगे आप गाइस तो क्या है आपका 1/2 × 1/2, तो 1/2 × 1/2 कितना होगा इस 1/4 हो जाएगा, और α×β गाइस किसके बराबर होता है c/a के, और c/a मतलब c मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है गाइस आपकी, कॉन्स्टेंट टर्म है 1, और अपॉन में a, a कितना गाइस 4, तो 1/4 = 1/4। ठीक है, तो α×β इक्वल आएगा c/a के, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस आपका वो क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम गाइस इसको अरेंज करेंगे पॉलीनोमियल को, तो 6x² को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का 7x लिखेंगे गाइस, फिर माइनस का 3 लिखेंगे। अब गाइस क्या करेंगे, 7 को सेपरेट करेंगे ऐसे दो नंबर में, पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा कितना आ रहा है 18, का आएगा 18 माइनस का 18, क्योंकि प्लस के 6 का इंटू माइनस के 3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18, का आएगा 18 माइनस का 18। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 रिजल्ट मिले, और मल्टीप्लाई करने पर गाइस क्या है, माइनस का 18 आए। ठीक है, तो अब ऐसे दो नंबर सोचते हैं कि जिनका सम 7 हो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा इस 18 आए, तो 5 और 2 हो सकते हैं क्या, 5 और 2 7 तो होता है लेकिन 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। ठीक है, 4 और 3 हो सकते हैं गाइस, 4 और 3 7 तो होता है लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, हमें तो 18 चाहिए। और क्या हो सकता है गाइस, 6 और 1 हो सकता है क्या, 6 और 1 7 होते हैं लेकिन 6 का मल्टीप्लाई 1 में करने पे 6 ही आएगा। अब एक ही ऑप्शन है गाइस, 9 और 2 ऐसे नंबर है जिनको प्लस से माइनस करने पे कितना आएगा गाइस 7, और 9 2 जा कितना होता है 18। तो मैंने 7 को क्या लिख लिया गाइस, 9 - 2 * एक्स वैसे का वैसे ही, -3 वैसे का वैसे ही, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा 9x और 2s हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9x माइनस के 9x में, वो माइनस माइनस प्लस के 2s में चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है गाइस, 6x² - 9x में से 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, साथ में एक्स भी है तो एक्स भी कॉमन निकल सकता है, तो 3x कॉमन आएगा तो गाइस कितना बचेगा 2x - 3। अगर पहले वाले में 2x - 3 कॉमन फैक्टर है तो दूसरे वाले में भी 2x - 3 कॉमन होगा, और 2x - 3 कॉमन है तो वही का वही लाने के लिए हम कॉमन क्या निकाल लेंगे उसमें से 1,
तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका कॉमन वाला 2x-3, और एक जो आपने कॉमन निकाला उससे बनेगा 3x+1। दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे, 2x-3, 3x+1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या जाएंगे गाइस, x=3/2 और -1/3। तो पहला वाला जीरो आपका अल्फा होगा, दूसरा वाला गाइस क्या होगा, बीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है रिलेशनशिप का गाइस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब 3/2 प्लस बीटा मतलब -1/3 गाइस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/6 का आएगा, 7/6 प्लस का। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 7/6 है तो वो किसके बराबर होता है, -k/b/a के। -k/b/a मतलब माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ x2। तो बी, बी मतलब दूसरा वाला कॉफिशियंट, एक्स का कॉफिशियंट कितना है, माइनस का 7 अपॉन में ए मतलब कितना 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 7/6। तो आ गया इस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो भी 7/6, वो भी 7/6। फिर गाइस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a गाइस, है ना। तो जब आप उसको सॉल्व करो गाइस तो c/a, तो c/a क्या होता है गाइस आपका, कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ x2 गाइस। तो कितना होगा, -3/6 होगा गाइस, -3/6 गाइस मतलब कितना, -1/2। और जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तब भी आपको गाइस कितना मिलेगा, -1/2। दोनों रिजल्ट आपके क्या आएंगे गाइस, इक्वल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। फोर्थ क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे देख रहा गाइस, ये दो टर्म का ही है, याद रखिए इसमें तीन टर्म नहीं है, पॉलिनोमियल में दो ही टर्म है। क्या है गाइस, 4u² + 8u। अब 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं गाइस, तो 4 कॉमन आ सकता है, और दूसरी बात u भी प्रेजेंट है तो 4 के साथ u भी कॉमन आ सकता है। तो 4u कॉमन आ गया गाइस 4u² 8u में से, तो अंदर कितना बचेगा, u+2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u का u में होगा तो 4u², 4u का 2u में होगा तो 4 2 8u। ठीक है, अब इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो गाइस, पहला वाला अल्फा है दूसरा वाला बीटा है। तो 4u = 0 और 4u+2 = 0। तो 4u = 0 होगा तो गाइस 4 से डिवाइड में आएगा 0 के, तो 0/4 का मतलब क्या होता है गाइस, 0। तो पहला वाला 0 तो 0 हो गया। दूसरा वाला फैक्टर गाइस क्या है, u+2 = 0, तो प्लस का 2 उधर का है तो -2 में, तो दूसरा वाला 0 क्या जाएगा गाइस, -2। तो पहला वाला फैक्टर यानी 0 अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू 0, दूसरा वाला बीटा है तो बीटा इक्वल टू -2। अब फॉर्मूला क्या होता है गाइस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 + -2, तो प्लस माइनस गाइस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2 आ गया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 आई है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो -b/a, तो बी की वैल्यू कितनी है गाइस, देखो यू का कॉफिशियंट 8, -b/a मतलब u² का कॉफिशियंट मतलब 4। तो 4 2 कितना होता है गाइस, 8। तो -2 = -2 वेरीफाई होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। दूसरा वाला रिलेशनशिप क्या होता है गाइस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a के। अल्फा इंटू बीटा मतलब गाइस 0 - -2, 0 - -2 में हो तो गाइस रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो अगर अल्फा इंटू बीटा 0 आ रहा है तो बराबर होता है c/a के, तो c/a भी क्या आना चाहिए, 0। तो c की वैल्यू कितनी है गाइस, c है ही नहीं उसमें, तो जाहिर सी बात है 0 होगा। अपॉन में a कितना है गाइस, u² का कोफिशिएंट कितना है, 4। 0/4 किसके बराबर होता है गाइस, 0 के। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी 0, तो वो भी कितना आएगा, 0। तो आपको गाइस खाली रिलेशनशिप के फॉर्मूले याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा गाइस किसके बराबर होता है, c/a के। या आप ऐसा ही बोल सकते हो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ यू अपॉन कॉफिशियंट ऑफ u² ux, जिस भी टर्म में दिया आंसर वो लिख देंगे। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x² या जो भी दिया u². ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है t²-15 गाइस, क्या दिया हुआ है, t²-15 दिया हुआ है गाइस। तो t²-15 है जो गाइस, मैं ऐसा क्या करूँ गाइस कि ये फैक्टराइज हो जाए, और फैक्टराइज होने के बाद मैं इसमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर पाऊँ। ठीक है गाइस, तो अब ये डायरेक्ट t²-15 हो गया गाइस। तो इसको सॉल्व करने के लिए वो सारे के सारे नंबर जिनमें फॉर्मूले लग जाते हैं, ठीक है, तो उनके फैक्टर डायरेक्ट निकल आते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा x²-9 के फैक्टर निकालो, तो x²-9 को मैं कर सकता हूँ गाइस 3 का स्क्वायर, तो a²-b² का फॉर्मूला लग गया, तो x+3 x-3 इसके क्या होगा फैक्टर। ऐसे ही जो t²-15 दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए गाइस हमें इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने का पड़ेगा जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जो t²-15 है गाइस, उसमें मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ गाइस, लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वापस t²-15 बन जाएगा। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ रहा गाइस, नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए दो फैक्टर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से फॉर्मूला बन जाएगा गाइस a²-b² का। तो a²-b² का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, a + b a - b, तो गाइस कितना हो जाएगा,
टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू टी हो जाएगी, बी की वैल्यू रूट 15 हो जाएगी, तो एक बार ए प्लस बी मतलब टी प्लस रूट 15, एक बार ए माइनस बी मतलब टी माइनस रूट 15, ठीक है। अब कैसे करना है, जीरो फाइंड करने तो इन दोनों वैल्यू को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, प्लस का रूट 15 उधर का तो माइनस के रूट 15 में, फिर गाइस टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, माइनस का रूट 15 उधर का तो प्लस के रूट 15 में, तो मतलब अल्फा आ गया है माइनस का रूट 15 और बीटा आ गया है प्लस का रूट 15 गाइस। अब क्या होता है गाइस, रिलेशनशिप क्या होती है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 15 प्लस अंडर रूट 15, एक प्लस का 15 एक माइनस का रूट 15 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा जीरो। तो अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो आया तो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है गाइस, माइनस गाइस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है गाइस, अल्फा बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के, तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो आई है तो वो किसके बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के, तो माइनस के बी अपॉन ए मतलब कॉफिशियंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर गाइज है ना, ऑफ टी अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर गाइज, तो कॉफिशियंट ऑफ टी कितना है, टी है ही नहीं गाइज उसमें, तो टी है ही नहीं तो उसका कॉफिशियंट कहाँ से आएगा, तो टी की वैल्यू जीरो हो गई, अपॉन में टी स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना गाइज वन, तो जीरो अपॉन वन कितना होता है गाइज जीरो ही होता है, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जीरो इक्वल टू जीरो, फिर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है गाइज, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का रूट 15, तो रूट 15 का इंटू रूट 15 में हो तो गाइस कितना आएगा 225, 225 कितने का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट गाइस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना मिलेगा माइनस का 15 अपॉन में कुछ भी नहीं तो कितना मानेंगे 1, तो मतलब माइनस का 15 आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है गाइस सी अपॉन ए के, सी कितना है माइनस का 15।